अब तक के लेक्चर हमने क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखे थे हीट कैपेसिटी, ठीक है। उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर देखे थे कि टेम्परेचर का स्केल कितना है, तीन तरह के स्केल देखे थे। फिर देखे थे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ से एक फॉर्मूला आया था क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, या फिर इसको एम एस डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या था कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं तब उसका हीट एनर्जी भी राइज करता है। अगर कोई सब्सटेंस है उसमें आप टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, ठीक है, हीट सप्लाई करते हैं, सॉरी टेम्परेचर सप्लाई नहीं, अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। तो कितना हीट सप्लाई करेंगे तो कितना टेम्परेचर राइज करेगा, या फिर अगर टेम्परेचर राइज कर गया है तो कितना हीट सप्लाई करना होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। और दूसरा हम लोग पढ़े थे लेटेंट हीट का कंसेप्ट, ठीक है, कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट पढ़े थे कि यहाँ पर क्यू इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू एम के बराबर होता है। जहां पर लेटेंट हीट, यहाँ पर दो तरह के हो सकते हैं, ये फेज चेंज के दौरान होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर सिस्टम, अगर वाटर को आप कंटिन्यूअसली गर्म करें, कोई दूसरे सब्सटेंस है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिकली देखते हैं कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं यानी कि एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसे कैसे राइज करता है, और राइजिंग टेम्परेचर के साथ साथ उसका फेज किस तरह से चेंज करता है। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाई ग्राफ ये आपका है। देखिए इस पर वाई एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर लिए हैं और एक्स एक्सिस पर क्या लिए हैं, हीट सप्लाई लिए हैं। इस ग्राफ को अच्छे से समझना है, जितने बढ़िया तरीका से इस ग्राफ को समझेंगे उतना ही अच्छे तरीका से क्वेश्चन सोल्व होगा हमारा। तो इस पर हम लोग क्या लिए हैं, टेम्परेचर, और इस पर क्या लिए हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। ये वाटर के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, ये हम लोग वाटर सिस्टम के लिए कर रहे हैं, वाटर में किस तरीका से होता है। देखिए वाटर का कौन कौन सा स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट है। जब सॉलिड में, वाटर सॉलिड में कब रहता है, आइस के फॉर्म में कब रहता है, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो यानी कि निगेटिव हो। तो यहां पर देखिए हम यहां से शुरू किया, मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर, यहाँ से हम लोग हीट सप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास आइस रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, आइस रखा हुआ है और इसका टेम्परेचर कितना है, टी डिग्री सेल्सियस, -T डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, नीचे है। अब यहाँ से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, देखिए आगे बढ़ रहा है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हीट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। इसको जब हम स्क्रीन पे आया था उसमें पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद समझने, क्योंकि जब हम यहाँ पर जब समझाएंगे तो यहाँ पर कुछ रफ वर्क करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी लिखने में, तो इसे पहले लिख लें। तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए यहाँ से हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। और हीट सप्लाई करते 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 टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ आके 0 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पर पहले -T डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री। इसको समझना है अच्छे से, 0 डिग्री हो गया। तो तब तक ये क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा यानी कि आइस ही रहेगा, ठीक है, तब तक क्या रहेगा, आइस ही रहेगा। यहाँ पर भी ये आइस है और यहाँ पर भी ये क्या है, आइस ही है। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हीट और सप्लाई कीजिएगा, हीट सप्लाई करना बंद नहीं किए हैं, हीट सप्लाई करने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो आप यहाँ से हीट सप्लाई करें तो टेम्परेचर राइज किया है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर कोई फेज चेंज नहीं कर रहा है, सॉलिड का सॉलिड ही है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा वैसे ही क्या होगा कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आइस किस में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री पे वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया फेज चेंज का फेज, ये फेज चेंज कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे होगा। तो हम बताए थे कि ड्यूरिंग फेज चेंज, जब फेज चेंज करता है तो फेज चेंज के दौरान क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। फेज जब जब फेज चेंज होता है तब एनर्जी सप्लाई जरूर करते हैं, हीट उसमें जरूर सप्लाई करते हैं, बट वहां पर क्या होता है कि इसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो वो हीट जो सप्लाई करते हैं वो जाता का है, तो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होता है। तब यहाँ पर देखिए आप, जब आइस आ गया है तो देखिए हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर आगे राइज यहां से यहां तक नहीं जाता है। कब तक, जब तक कि फेज चेंज ना हो जाए। फेज चेंज ना हो जाए मतलब आइस से पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आइस से वाटर में जब तक पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा
तब तक क्या होगा, इसका हीट एनर्जी तो बढ़ रहा है, सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और ये किसका है, ये आपका फेज चेंज है, यहाँ पर फेज चेंज कर रहा है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब यहाँ पर 0 डिग्री पड़ी, 0 डिग्री पड़ी, क्या हो जाएगा, आइस से वाटर में, पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब और आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई बंद नहीं किए, तो वाटर क्या करेगा, अब 0 डिग्री पर जैसे ही बढ़ेगा तो वाटर गर्म होगा, अब वाटर फिर से स्टीम में तो तब कन्वर्ट होगा ना जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके ही ये कन्वर्ट होता है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है वाटर का, ये वाटर 0 डिग्री पे है। अब आप और हीट को सप्लाई कर देंगे, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आगे भी बढ़ रहे हैं, हीट को सप्लाई करें, अब और हीट को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और देखिए टेम्परेचर बढ़ के यहाँ कितना आ गया है, 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब जो वाटर है, यहाँ वाटर है, ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, लेकिन अब वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा वैसे स्टीम में बनना शुरू हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, अब ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर एक कंसेप्ट किसका आ गया, फेज चेंज का, फिर से यहाँ पर फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वाटर तब जब तक पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, क्योंकि अब फेज चेंज है, एनर्जी तो आप सप्लाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको फेज को चेंज करने में, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और यहाँ तक पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और फिर और ज्यादा आप अगर एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये था पूरा क्लियर कि वाटर का जो है किस तरीका से टेम्परेचर यहाँ पर राइज करता है, और हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो ये आपका बेसिकली सारा का सारा कंसेप्ट है, इसको आप पॉज करके यहाँ पर अच्छे से इनको समझिए। ठीक है, कोई डॉट है तो मुझे बताइए, यहाँ पर फिर से बता देंगे ये चीजें। नौ, यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पे ये एंगल कितना है, अल्फा है, किसके साथ एंगल है, अल्फा अमाउंट ऑफ हीट वाले लाइन के साथ, इसके साथ ये स्लो, ठीक है, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा का वैल्यू बीटा से ज्यादा होता है, मतलब आइस और यहाँ पे ये सॉलिड फेज है और ये क्या है, लिक्विड फेज है, ये सॉलिड और लिक्विड का जो प्योर जो यहाँ पर फेज है, मतलब यहाँ पर जो फेज चेंज नहीं होता है वो इंक्लाइन होता है, और फेज चेंज क्या होता है, टेम्परेचर के हॉरिजॉन्टल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड के क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं करता है। तो ये चीज यहाँ पर समझ में बिल्कुल अच्छे तरीका से आनी चाहिए। अब अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा होता है, इसको हम आगे समझेंगे क्यों होता है। नौ, बीसी लाइन को आप देखिए, यहाँ पर इसमें बीसी क्या है, फेज चेंज है, तो बीसी क्या है, यहाँ से यहाँ गया है, मतलब इसका जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ आ गया है, मतलब ये एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। बीसी क्या है, लेटेंट, ये फ्यूजन में यहाँ पर क्या हो गया कि हीट सप्लाइड है फ्यूजन में, ठीक है, ये हीट सप्लाइड है किसमें, फ्यूजन में, इसको हम लोग हीट सप्लाइड फ्यूजन में बोलते हैं, और हीट सप्लाइड है किसमें, ये वेपराइजेशन में, डी से ई में, मतलब पूरा का पूरा फ्यूज करने के लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ा है, बी से सी तक चलना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू है, और यहाँ पर इस फेज चेंज यानी वेपराइजेशन में कितना हीट लगा है हमको, डी क्यू लगा है, जो कि डी ई के बराबर है यहाँ पर, ये चीज। और निकालेंगे कैसे, डेल्टा क्यू इक्वल टू एल एम, जहाँ पर एल क्या है, लेटेंट हीट है, और एम क्या है, मास है। ठीक है, एल क्या है, लेटेंट हीट है, और एम क्या है, मास है इसका। नौ, स्लोप ऑफ इंक्लाइन, इंक्लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है इंक्लाइन, तो इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर, तो और टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से है, तो टेन ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, ये किसके बराबर है, टेम्परेचर के, और ये किसके बराबर है, हीट सप्लाई के, यानी डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू। अब यहाँ से आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ से डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, 1/mc हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/mc हो जाएगा। अगर मास आप 1 लेते हैं, यूनिट लेते हैं, 1 ग्राम 1 kg लेते हैं, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/c के बराबर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1/c के बराबर, इसीलिए स्लोप क्या होगा, 1/स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। अगर टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड के बीच का ग्राफ किसी भी सब्सटेंस के लिए, वाटर भी तो एक सब्सटेंस ही है, किसी भी सब्सटेंस के लिए, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, तो उसका सब्सटेंस का क्या होगा, यहाँ से ग्राफ नहीं, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, यहाँ से होगा,
ये अलग बात है कि उसका इनिशियल पॉइंट सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए क्या होगा कि स्लोप होता है टेम्परेचर और हीट सप्लाइड के बीच का वन अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ही बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर स्लोप की बात करें, अल्फा की बात करें, टेन थीटा की, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू है। देखिए यहाँ पर अल्फा ज्यादा क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, और ये अगर डेल्टा क्यू ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरऑल सॉरी ये कम अगर हीट सप्लाई करेगा यहाँ पर, तब भी ज्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा। यहाँ पर कम हीट सप्लाई करता है तब भी टेम्परेचर ज्यादा राइज कर जाएगा, इसीलिए अल्फा क्या होता है, बीटा से ज्यादा होता है। यहाँ पर टेम्परेचर को ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा टेम्परेचर को राइज करने के लिए, यहाँ पर ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा टेम्परेचर को राइज करने के लिए। जब हम टेम्परेचर का कंसेप्ट बताया लेटेंट हीट, तो वहां पे बताए थे कि वेपराइजेशन और फ्यूजन क्यों ज्यादा होता है, तो ये चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर टोटल हीट आपको बोले निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर किसी इन जनरल किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर बोलेगा कि जैसे कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और इसका अगर ये टेम्परेचर आ गया आपका, और इस पे क्या हो गया, हीट सप्लाई आ गया, और मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई जनरल सब्सटेंस है, यहाँ गया सबसे पहले, फिर ये फेज चेंज में जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये फेज चेंज में जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, यही होगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है, यहाँ तक गया है, और आगे कहाँ गया है, एफ तक गया, आगे भी जा सकता है ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए टेम्परेचर है थीटा नॉट, यहाँ पर है, अच्छा थीटा ए मान लेते हैं, ये थीटा बी है, और ये थीटा बी है, तो ये भी कितना होगा, सी पॉइंट है, तो ये भी तो थीटा बी होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये फेज चेंज का है, और फेज चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। यहाँ पर फिर टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा डी हो गया है, और यहाँ पर कितना हो गया, थीटा ई हो गया है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। फिर यहाँ पे आने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा एफ हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना एनर्जी सप्लाई किया गया है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान, ये किसी इन जनरल किसी भी सब्सटेंस के लिए इस तरह का ग्राफ है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी सप्लाइड कितना होगा, देखिए एनर्जी सप्लाइड ए से बी में प्लस, एनर्जी सप्लाइड बी से सी में प्लस, एनर्जी सप्लाइड सी से डी में प्लस, एनर्जी सप्लाइड बी से ई में और प्लस, एनर्जी सप्लाइड ई से एफ में, ये इतना है। ये कितना हो जाएगा यहां से, क्यू ए से बी के लिए क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी यानी कि थीटा बी माइनस थीटा ए। यहां पे कितना होगा, ये फेज चेंज का है, तो एम इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, एम सी और डेल्टा टी यानी कि थीटा डी माइनस थीटा बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फेज चेंज है, फिर यहाँ से बी से ई के लिए ये कितना हो जाएगा, एम इंटू एल एम ई, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एम सी और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, थीटा एफ माइनस थीटा ई, ठीक है। थीटा को हम लोग टेम्परेचर को हम लोग थीटा से भी नोट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग टोटल हीट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये था आपका पूरा वाटर और किस तरीका से आगे बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ, कैसे हम सप्लाई करेंगे तो कितना टेम्परेचर आगे बढ़ेगा और किस तरीका से फेज चेंज करता है, इसका कंप्लीट डायग्राम था, इसको नोट कर लीजिए। और ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कि कैलोरीमेट्री का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पे कैलोरीमेट्री काम करता है। अगर सीधे साधे वर्ड में अगर आप ये कहना चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंजर्वेशन हीट एनर्जी। मान लीजिए कि आपके पास दो सब्सटेंस है, इसको समझना है अच्छे से, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी है। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से बड़ा है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इधर से इधर भागेगा, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, और तब तक ये एनर्जी सप्लाई करेगा हाइयर से लोअर टेम्परेचर पे जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हीट का जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। तो इधर से इधर जितना हीट ट्रांसफर हुआ है ये गेन कितना किया है, उतना ही किया है, मतलब हीट इसके द्वारा जो लॉस किया गया है, इसके द्वारा क्या किया गया है,
गेन किया गया है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये बहुत सिंपल है, ऐसा लग रहा था पहले कि क्या प्रिंसिपल होगा, कुछ भी बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, कि एक बॉडी जितना हीट लॉस करता है दूसरा बॉडी उतना ही हीट क्या करता है, गेन करता है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल बोथ एक्वायर सेम टेम्परेचर। ठीक है, तब तक जब तक कि दोनों क्या करता है, सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर लेता है। द बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर रिलीजेज हीट व्हाइल बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एब्जॉर्ब इट, सो दैट हीट लॉस जो होता है वो हीट गेन के बराबर होता है, और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाउ कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री टू सॉल्व प्रॉब्लम, हम लोग इसका बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, किस तरीका से हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज करके ये काम है कर सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी के आसपास घूमते रहेगा। कैसे, कि देगा कि दो बॉडी देगा, फिर दोनों बॉडी में देगा कि देखिए इसका कुछ ये प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट इतना है, मास इतना है, टेम्परेचर है, मास इतना है, स्पेसिफिक हीट इतना है, तो दोनों को मिला दिए तो बताइए तो फाइनल में दोनों का टेम्परेचर कितना होगा, या फिर दे देगा कि दोनों का फाइनल टेम्परेचर इतना है तो बताइए कितना हीट एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर हुआ होगा। फिर दो बॉडी दे सकता है, तीन बॉडी दे सकता है, एक गैस दे सकता है, एक लिक्विड दे सकता है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है इसके आसपास घूमते रहेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है इसको हम लोग क्वेश्चन के ही माध्यम से समझेंगे कि किस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब पता चलेगा तरीका से यूज करते हैं, और ये इन जनरली स्टेटमेंट पूछा नहीं जाता है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इनके एप्लीकेशंस आते हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो एप्लीकेशंस इसका देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ना अब हमको समझना है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके नाम के अकॉर्डिंग समझेंगे कि वाटर इक्विवेलेंट, इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे समझना होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, और इसमें आप Q हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ जा रहा है, डेल्टा T से। अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, इसमें आप Q हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ रहा है, डेल्टा T से। अब आप लीजिए वाटर, और वाटर में भी Q एनर्जी ही डालिए और उतना ही टेम्परेचर से राइज करना चाहिए। देखिए सिस्टम क्या है, ये सब्सटेंस है, इसका मास मान लीजिए कुछ होगा, कैपिटल एम है, इसके एम मास को आप क्यू एनर्जी दिए हैं तो इसका डेल्टा टी राइज कर दिया है। क्या ये सब्सटेंस और वाटर दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक होती है, तो आंसर होगा नहीं। सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है, यानी कि इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करने के लिए अलग हीट देना पड़ेगा, और इसको 1 डिग्री से राइज करने के लिए अलग हीट देना पड़ेगा, ये दोनों का अलग अलग होता है। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि ये सब्सटेंस है, इसको क्यू हीट दिए हैं, डेल्टा टी राइज किया है, एम मास है, अब यहां पर भी क्यू हीट देना है और डेल्टा टी राइज करवाना है, तब इसके मास को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा ना वाटर के मास को, तो वाटर के मास को मान लीजिए स्मॉल एम, इसी स्मॉल एम को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर आप किसी सब्सटेंस को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज कर जाता है, तो वाटर के जितने मास को आप उतना ही एनर्जी देंगे और उतना ही से टेम्परेचर राइज करेगा, वाटर का वो मास वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि सब्सटेंस अगर एम के जी, कैपिटल एम के जी लेते तो उसके जगह पे वाटर आपको कितना लेना पड़ेगा, स्मॉल एम के जी लेना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये स्मॉल एम जो है क्या करेगा, वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा इस सब्सटेंस का। मतलब इस सब्सटेंस को कैपिटल एम के जी लेते हैं तो वाटर को उतना ही काम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल एम के जी देना पड़ेगा। तो इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कितना हो गया, एम के जी हो गया। वाटर समझ गए यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। अब इसी को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मास ऑफ वाटर विच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व द सेम हीट एज इट डन बाई द बॉडी इन राइजिंग और फॉलिंग द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर सेम हीट, ठीक है, सेम टेम्परेचर राइजिंग फॉलिंग और सेम हीट सप्लाई करने पर वाटर की जितनी मास की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाता है, वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है, और इसको जनरली हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गए। तो यहां पर कितना होगा, देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमसी डेल्टा टी होगा, कैपिटल एमसी डेल्टा टी,
तो यहां पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम सी डेल्टा टी। ये वाटर का है और ये किसका आ जाएगा, सब्सटेंस का आ जाएगा यहां पर। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यहां से ये दोनों क्या आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए वाटर का जो सी डब्ल्यू होता है, सी डब्ल्यू क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट, ये वन होता है। यहां से आप क्या लिख देंगे, क्यू और एम को जो हम डब्ल्यू लिखते हैं, सॉरी ये क्यू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू वन आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, अगर डब्ल्यू क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है, हम लोग वाटर इक्विवेलेंट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर चीजें है, देखिए एज क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हुआ किसी सब्सटेंस के लिए, अगर सेम हीट दिया जाएगा डब्ल्यू ग्राम ऑफ वाटर, कितना वाटर में दिया जाएगा, डब्ल्यू ग्राम वाटर में, यानी कि इक्विवेलेंट है, देन इस टेम्परेचर ऑफ राइज बाय डेल्टा टी। यहां से क्यू इक्वल टू कितना जाएगा, एम के जगह पर डब्ल्यू, और सी के जगह पर सी वाटर का लेंगे वन इंटू डेल्टा टी, यानी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी आ जाएगा आपका। तो ये एक ऐसे ही मतलब इक्वेशन आ गया है जो हम डिराइव करके यहाँ पर लिख दिया है। नॉट डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी आएगा। यहां से आप देखो यहाँ पर हीट तो दोनों का सेम है ना, यहां से क्या हो जाएगा, एम ये कैपिटल एम इंटू सी सब्सटेंस का इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया। यहां से डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इंटू सी एस। यहाँ पे मास कितना है, किसका है, सब्सटेंस का है, कि वाटर इक्विवेलेंट जो होता है उस सब्सटेंस का मास इंटू उसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट। वाटर इक्विवेलेंट जो होता है उस सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस का ये वाटर इक्विवेलेंट है उसका मास इंटू उसी सब्सटेंस का क्या, स्पेसिफिक हीट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वाटर इक्विवेलेंट मिलता है। वाटर इक्विवेलेंट का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, लेकिन एमसी का यूनिट आपका क्या होता है, जूल पर केल्विन होता है, इस बात को ध्यान रखना है। बट न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू क्या होता है, एक ही जैसा होता है, तो दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट। होप आपको वाटर इक्विवेलेंट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर वाटर इक्विवेलेंट का काफी यूज होगा, इसको आप नोट कर लेते हैं।